जैसे गवर्नर जो होते हैं बकवास करते रहते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का गवर्नर ममता बनर्जी के खिलाफ जो है दिल दांत सुबह रात लगा रहता है। सीबीआई, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के हाथ की कठपुतली है और इनका मकसद एक ही है कि विरोधी दलों की सरकार को खत्म करें या सरकार के जो विरोधी हैं उनको खत्म करें और इस काम में दिल और जान से ये लगे रहते हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, हर बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं और आप बड़ा पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले अंबानी के घर के बाहर एक कार मिली थी जिसमें कुछ विस्फोटक सामान था और अभी हाल फिलहाल एनआईए ने गिरफ्तारी की है सचिन वाघे नाम के एक शख्स की। ये पूरा मामला क्या था और एनआईए ने किस आधार पर गिरफ्तारी की है, तो सभी सवालों का जवाब चाहते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर स्वागत है आपका, और बताएं दर्शकों को कि ये मामला था क्या। देखिए, मार्च के आखिरी हफ्ते के एक दिन अचानक जो है जी रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई होती है जी, और उस गाड़ी को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है तो एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे देश में एक सनसनी फैल जाती है जी। क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो जहाँ खड़ी थी वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, वो जगह थी जो मुकेश अंबानी है उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है अंटालिया, उस पर जो है उसके बाहर वो मिली। और उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था जी, तो उसमें जो है 25 छड़ें मिली जो कि विस्फोटकों की थी। अच्छा, अब जैसे ही ये मिली और जैसे ही आया तो मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है जैसे ममता बनर्जी को मिली है। अच्छा, तो सवाल ये उठा कि सारी वहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद सिर्फ जो है अंटालिया के साथ सटी हुई सड़क पर अगर एक गाड़ी मिलती है जो खड़ी कब की गई, कब तक खड़ी है, कब से खड़ी है, ये तो पता चल गया क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन सूचना जो है जो वहाँ पर जो तैनात पुलिस वाले थे उन्हें नहीं मिली। और इससे जो है एक हंगामा सा हुआ, मुंबई पुलिस हरकत पे आई और बहुत सारी गाड़ियां वहां पहुंची और पहले उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली, फिर ये जानना चाहा कि इसका मालिक कौन है। तो जब मालिक जानने की कोशिश की तो मालिक ढूंढते ढूंढते पुलिस को पता चला कि इसका जो मालिक है वो एक सिंधी है, और उस सिंधी के घर जब पुलिस पहुंची तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी तो 17 फरवरी से चोरी हो चुकी है। अच्छा, और चोरी हुई गाड़ी को ढूंढते ढूंढते पुलिस ने ये जब आगे जांच करनी शुरू की तो उसकी जांच जो है सचिन वाघे जो इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं अच्छा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में उनको दी गई, और जब वो जांच कर रहे थे तभी उसी बीच में जो है दो बड़े विचित्र से बयान आए। पहला बयान तो आया जो आदमी जिसकी मौत हुई थी उसकी बीवी का। अच्छा, उसकी बीवी ने कहा कि मेरे पति को सचिन वाघे ने ही मारा है क्योंकि ये गाड़ी जो थी जिस स्कॉर्पियो को मिलने की बात हो रही है सचिन वाघे ही चला रहे थे, और जब ये अचानक इसका जो स्टीयरिंग है वो ख़राब हो गया तो उसने जो है ये गाड़ी हमारे पास भेज दी थी और हमने इसे ठीक करने के लिए जो है एक जो मैकेनिक होता है उसकी दुकान पे भेज दी, वहाँ से गाड़ी गायब हो गई। उसके दूसरे दिन पता चला कि जो वो आदमी है उसकी जो है मौत हो गई और उसकी लाश जो है पानी में डूबी मिली। अच्छा, और डूबी मिली, और जब उसकी जांच की तो चलते चलते चूंकि उसकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया और तभी अचानक चूंकि वहाँ पर महाराष्ट्र में विधानसभा चल रही है तो विधानसभा में जो भाजपा के पुराने जो है मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये आरोप लगा डाला कि ये जो है सचिन वाघे इस हत्या का जिम्मेदार है, सचिन वाघे को सारी जानकारी। अच्छा, यहाँ तक की कहानी बड़ी साधारण लगती है, इस कहानी में कोई मोड़ तोड़ नहीं है, जैसी खबर आ रही है वैसी जो है आपको सुनाई जा रही है। बिल्कुल, अब अचानक होता क्या है कि एनआईए का इसमें जो है योगदान आ जाता है। अच्छा, एनआईए जैसे आती है तो एनआईए के आते ही पूरे के पूरे राजनीतिक सर्कल में और जो न्यूज़ की दुनिया है उसमें एक सनसनी फैल जाती है, और फैलते ही ये पता चलता है कि जो ये गाड़ी है ये जो है उस जिस आदमी की बताई जा रही है उसकी भी नहीं। अच्छा, और ये उसकी भी नहीं है, ये दिल्ली में तिहाड़ जेल के किसी अधिकारी की। अच्छा, अब जब तिहाड़ जेल का नाम आता है तो तिहाड़ जेल के अधिकारी की है तो वो बम्बई कैसे पहुंची, ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि तिहाड़ जेल में ही 3 जो है मोबाइल काम कर रहे हैं जिनसे जो है फिरौती मांगी जाती है कि हमने जो ये खड़ी की है, हमने ये गाड़ी जो है पहले आपको दिखाने के लिए की थी और उससे पहले हमने जो 29 जनवरी को दिल्ली में जब बीटिंग रिट्रीट हो रही थी तो इजरायली दूतावास पर जो एक घटिया सा विस्फोटक मिला था। अच्छा, वो भी हमने रखा था। और जब इन दोनों के लिंक को तलाशा गया तो पता चला कि ये जो है जेल नंबर 8 है दिल्ली में तिहाड़ में, उसमें दो जो है कैदी बंद हैं जो जैसे
मोहम्मद के कहलाते हैं उनके हैं, लेकिन उन्होंने जो है दूसरा नाम बदलकर किसी दूसरे संगठन का नाम लेकर 3 मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में 3 मोबाइल ऑपरेट हो रहे हैं, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधिकारी की वो गाड़ी है वो बम्बई कैसे पहुंच गई और वहां पर जो वंटालिया पे खड़ी हो गई। अब मुंबई पुलिस ने उसे ट्विस्ट देते हुए कहा कि सचिन वाघी जो है वो इस बात के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने उसे 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट इस बिना पे किया कि संजय वाघी पे पहले एक इल्ज़ाम था कि उनकी मौजूदगी में उनकी कैद में एक अभियुक्त को बम्बई बम ब्लास्ट के एक अभियुक्त को पकड़ा गया था तो वो गायब हो गया, उसकी मौत हो गई। अच्छा, तो सचिन वाघी को जो है मुंबई हाईकोर्ट के कहने पर जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब बर्खास्त कर दिया गया तो सचिन वाघी ने 2007 में बर्खास्त होते ही शिवसेना ज्वाइन कर ली और वो शिवसेना का नेता बन गया। अब जब वो नेता बन गया तो जब कोरोना आया तो कोरोना में सरकार ने कहा कि हमें जो है लोगों की ज़रूरत है, पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है, तो पुलिस ने और सरकार ने एक कमेटी बना रखी थी कि जो जो लोग हैं जो नौकरी से बाहर गए हैं उनको उनके केसों को रिव्यू किया जाए और उनके केस को रिव्यू किया गया और रिव्यू करके उन्हें जो दोबारा जो है मुंबई पुलिस में बहाली दे दी गई और उन्हें असिस्टेंट इंस्पेक्टर का पद दे दिया गया। अब असिस्टेंट इंस्पेक्टर का पद देने के बाद अब NIA जो कह रही है वो ये कह रही है कि जिस स्कॉर्पियो को वहाँ पर स्थापित किया गया था, रखा गया था, उस स्कॉर्पियो का ड्राइवर जो है एक जो है टोयोटा की गाड़ी थी इनोवा, उसमें बैठ कर गया और कहा कि वो जो ड्राइवर है उसने जो है जो ये डॉक्टरों को आजकल हम किट पहना देते हैं कोरोना किट, पीपी किट कह लो, कोरोना किट कह लो, वो पहन के वो आदमी उसमें बैठा और चला गया। और जाने के बाद जो है जब उसकी तलाशी में पुलिस गई तो उसे पता चला कि ये तो खुद जो है इनोवा जो है ये सिर्फ खुद मुंबई क्राइम ब्रांच की है और क्राइम ब्रांच की ये जो इनोवा है इसके जो नंबर है जब ये अंटालिया के बाहर इसको CCTV कैमरे में इसका नंबर कैच किया गया तो वो दूसरा नंबर था, इस बीच में उसका नंबर बदल गया और नंबर बदल के पुराना नंबर लगा दिया गया और उस टोयोटा को उन्होंने ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद उसमें का पता चला उनका जो कहना है NIA का कि ये जो है सचिन वाघे जो है इसको इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, और सचिन वाघे के साथ साथ जो है बाकी जो और स्टाफ के लोग हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे थे। जी जी। अब यहाँ तक एक दिलचस्प कहानी है जिसे हम कहते हैं कि नॉवल ये क्राइम थ्रिलर बन गया, सिंघम 2 जैसी मुझे कुछ स्टोरी निकल गया। एक एम्बुलेंस मिली, फिर एक नोटों का बड़ा बैग मिला और फिर लाश मिली और फिर तमाम चीजें ये वैसे वही बड़ा वही जी। अब इसमें NIA की एंट्री से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है केंद्र सरकार का प्लॉट है महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करने का। अच्छा, अब इसमें राजनीति आई है, अभी तक क्राइम चल रहा था, अब राजनीति आ गई। राजनीति आ गई कि देश की जो NIA है उसका इस्तेमाल करके भारत सरकार लगातार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो है हिलाना चाहती है या अपने पाले में लाना चाहती है। उसके 3-4 उदाहरण है, एक पूजा चौहान नाम की एक टिकटॉक लड़की थी। अच्छा। उसने फरवरी में अपनी आत्महत्या कर ली तो इन्होंने कहा जी इनका मंत्री शामिल है उद्धव ठाकरे का। अच्छा। और उस लड़की के बाप ने कहा कि मेरी लड़की पे बहुत कर्ज हो गया था तो कर्ज से परेशान रहती थी, उसने 4th मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली में जो BJP है वो बार बार ये कहती है कि इसमें मंत्री का हाथ है, इसकी जांच जो है विदेशी या जांच एजेंसी या NIA को दे दो या CBI को दे दो। पूरा सस्पेंस थ्रिलर नोवेल चल रहा है जी। हाँ, अब उससे पहले आपको मैं ले जाना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो कोरेगांव का जो षड्यंत्र था जिसमें कई लोगों को उन्होंने जो एक्टिविस्ट हैं वो अर्बन नक्सल जिनको कहा गया अर्बन नक्सल कहकर या जिसमें स्टीन स्वामी है और दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं उनको बंद कर रखा है तो उसकी जांच जो है पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही थी। अच्छा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही थी तो जैसे ही वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो चूंकि ये राज्य का विषय है राज्य को जांच करनी चाहिए थी तो जबरदस्ती NIA ने उसकी जांच हथिया ली और कहा इसकी जांच हम करेंगे। अब जो है मुंबई हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि ये सारे जो लोगों को बंद किया गया है इनके जो लैपटॉप हैं उनमें जो है ट्रोजन हॉर्स जिसे कहते हैं फर्जी आपने ईमेल भेजकर उनके कैप्चर में वायरस भेजकर उनके सारे नेटवर्क को आपने कैप्चर कर लिया। वो एक्टिविस्ट के मामले में हुआ था वही तो उसमें बताया था कि ये सारी हरकत किसकी है, वो कहते हैं जी NIA के लोगों की हरकत है। अच्छा। अब उसमें तीसरा होता है कि अभी आपने देखा कि वो एक्टर मर गया, अब एक्टर मर गया बिहार का, बम्बई में मर गया,
अब उसके लिए जो है फिर ये बात तो ठीक है, इसकी जांच मुंबई पुलिस करे या बिहार पुलिस करे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा आउट ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस, जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का तरीका नहीं है, उन्होंने कहा इसकी जाँच सीबीआई करेगी, और सीबीआई ने पूरी जाँच की, और जाँच करने के बाद पता चला धाक के तीन पात के कुछ नहीं हुआ, और वो जाँच जो है हो गई। अब ये तीसरा मौका जो है एनआईए को मिला है या मोदी सरकार को मिला है, वो चाहती है कि संजीव वाघे के आड़ में जो है महाराष्ट्र की सरकार को कहीं ना कहीं परेशान किया जाए या उनकी सरकार गिरा दी जाए। और सचिन वाघे जो है एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उसको बारे में लोग ये मानते हैं क्योंकि जो अभी एक्टर की जांच जो कर रहे थे वो भी सचिन वाघे ही कर रहे थे, और जो टीआरपी स्कैम है जिसमें कि आप देखते हैं भारत का अर्णब गोस्वामी फंसा हुआ है, उसकी जांच भी जो है वो सचिन वाघे कर रहे थे। तो एक तरह से सचिन वाघे को बंद करके जो है एनआईए अपने पुराने बदलों को लेना चाहती है, मोदी सरकार अपने पुराने बदले लेना चाहती है, और सचिन वाघे उसका एक टूल बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे कि आप देखते हैं कि केरल में स्मगलिंग के केस में जो एक अभियुक्त है उससे बयान लिया कि भाई तू ये कह दे जबरदस्ती कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय पेरियन वो जो है इसमें शामिल हैं, और वो बाहर जैसे जमानत पर छूटा, उसने कहा मुझसे जबरदस्ती झूठा बयान लिया। तो एनआईए हुई, ईडी हुई, सीबीआई हुई, ये आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के विभाग हैं। इन्हें अगर हम समझते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं तो ये हमारी गलतफहमी है, ये हमें जितनी जल्दी निकाल दें उतनी जल्दी हम समझ पाएंगे किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्टिविटी को। अब इस ऑब्जेक्टिविटी में सचिन वाघे को पकड़ कर जो भी एनआईए खोज करना चाहती है, या तो उसका रोज का ब्यौरा है, लेकिन रोज का ब्यौरा देते नहीं, रोज का ब्यूरो कैसे नहीं देते, जैसे जब रिया चक्रवर्ती को पकड़ा गया था तो रोज आता था कि भाई रिया चक्रवर्ती ने आज ये बयान दिया, आज वो जेल में दाई करवट सोई, आज ये बाई करवट सोई। उसके बाद जब दूसरे लोग पकड़े गए तो उनके बारे में यही नहीं पता चलता कि दिल्ली में जैसे 26 जनवरी को लाल किले पर जो झंडा फहराया गया और संधु को पकड़ा गया, तो अब जीत संधु के बारे में तो कोई खबर नहीं आती कि जीत संधु कौन सी जेल में है, कौन से उसने कपड़े पहने, कौन सी उसने करवट बदली। तो सरकार को जो अपने विरोधी लगते हैं उनको वो बदनाम करती है, और सरकार को जो लोगों के दिमाग में रखना चाहती है, उनके दिमाग में रखना चाहती है। इसलिए मैं हमेशा बार बार, आपको बड़ा अजीब लगेगा, मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ कि एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है, इनको आप जो है राजनीतिक एजेंसी समझो, इसे समझो ये गवर्नर है। जैसे गवर्नर जो होते हैं बकवास करते रहते हैं, जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का गवर्नर है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है दिल दांत सुबह रात लगा रहता है, इसी तरह आप देखेंगे महाराष्ट्र का गवर्नर है वो दिन रात बकवास करता रहता है, ऐसे केरल का गवर्नर है वो दिन रात बकवास करता रहता है, ऐसे ही आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का गवर्नर है वो दिन रात बकवास करता रहता है। तो आपको ये मानना चाहिए जो लोग देखते हैं कि ये सीबीआई, ईडी, एनआईए ये बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, और इनका मकसद एक ही है कि विरोधी दलों की सरकार को ख़त्म करें या सरकार के जो विरोधी हैं उनको ख़त्म करें, और इस काम में दिल और जान से ये लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो बताया है सचिन वाघे के केस में, ये बिल्कुल मुझे सिंघम 2 जब फिल्म आई थी उसमें एक एम्बुलेंस मिलती है, उसमें नोट मिलते हैं, फिर एक लाश मिलती है, और उसके बाद एक राजनीति शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसा एक प्लॉट तैयार किया गया है। और अब इसमें एनआईए आ गई है तो सारी चीज़ें लगभग वही है, सस्पेंस थ्रिलर और सस्पेंस पे सस्पेंस डाले जा रहे हैं। हम देखते हैं नया अपडेट क्या आता है, लेकिन फिलहाल सुनकर बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से एक स्कोर पर मिलती है, उसके बाद इतनी लंबी कहानी सामने आती है। आप लोग कहना नीचे ज़रूर बताइएगा, और अगले अंक में किसी और अंक में रविंद्र जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। पूरा का पूरा आपने एक पूरी फिल्म बनेगी इसमें। अच्छा।